गुड मॉर्निंग माई यूडू फैमिली। तो जी राधे राधे, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं हो गई थोड़ी सी रेडी, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए हैं। कम से कम क्या बताऊँ, होली पे ही डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स। उसके बाद मैंने कोई रील्स नहीं डाली है, उससे पहले भी मैं नहीं डाल रही थी। तो आज मैंने सोचा रील शूट कर देती हूँ दो चार अपने कान्हा जी की। तो अभी 10 बजने में 15 मिनट है और मैंने सोचा अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो व्लॉग तो स्टार्ट कर लिया मैंने, लेकिन स्टार्ट मतलब इसके आगे तभी दिखाऊंगी। पहले मैं दो चार रील शूट कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ आपको दिखाती हूँ। मौसम इतना प्यारा हो रहा है और आज ही मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए। आज वार क्या है, आज है चार, है ना? चार ही है ना? हाँ, आज मंगलवार है और 4 अप्रैल है। तो सुबह के 10 बजने में 15 मिनट हैं। तो मैं पहले रील शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं माला करूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने माला नहीं की है। उसके बाद मैं ऊपर का आपको मौसम दिखाऊँगी कैसा हो रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और बार बार जाना पड़ रहा है कि कपड़े भी सूख रहे हैं, कि कहीं बारिश ना आ जाए। तो बारिश तो नहीं आ रही है, लेकिन मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने रील शूट करने के लिए थोड़ा सा डार्क मेकअप किया है, लिपस्टिक डार्क लगाई है और बाकी कुछ नहीं किया है। और चलिए अब मैं फटाफट से दो चार रील शूट कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी। इंस्टाग्राम पे बस 3 रील शूट करूँगी तो जल्दी हो जाएंगी। तो मिलती हूँ। तो जी रील मेरी शूट हो गई है इंस्टाग्राम पे, 4-5 रील शूट कर दिए मैंने बहुत दिन के बाद। मैंने कहा कर देती हूँ 1-2 एक्स्ट्रा, इतने दिन बाद करिए। तो अभी टाइम हो गया, ये देखिए 10:30। कितनी जल्दी कर दी ना मैंने, 1 घंटा भी नहीं लगा पूरा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैंने क्या बनाया और आज सुबह से मैं क्या बना रही थी। मम्मी ने ऊन दी थी ना, उसके गोले बनाए थे मैंने, तो ये मैंने बनाया कल और परसों में, और आज सुबह मैंने ये वाला डाला है। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, शाम तक कंप्लीट कर दूँगी मैं। तो कैसे लग रहे हैं आपको, ये कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है ना, डिज़ाइन अलग है ना थोड़ा सा। तो मुझे ऐसा कट कट वाला डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है, और ये भी ऊपर जाके कट वाला बनेगा, तो कट वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपको कैसे लग रहे हैं, आपको मेरी मेहनत कैसी लगी और डिज़ाइन कैसा लगा बताना ज़रूर। इसमें थोड़ा अलग डिज़ाइन डाला है मैंने, आपको पूरा बन जाएगा ना जब अच्छे से दिखाऊंगी, अभी पूरा बना नहीं है। तो जी यहाँ पे आ गई हूँ मैं ऊपर, और ओहो धूप तो तेज़ वाली निकल रही है। मैं सोच रही मौसम ख़राब हो रहा है, लेकिन मौसम तो ठीक ठाक है। और कपड़े मेरे सूख गए होंगे, सुबह ही सुखा दिए थे 7 बजे, अभी अच्छे से सूख चुके हैं। मैं इनको फटाफट से उतार लेती हूँ और बब्बू बनाएगी वीडियो, बब्बू शूट करेगी, नहीं तुल्ली शूट करेगी। तुल्ली भी आ गई है, सो गई थी अभी उठ गई है। और मैंने माला भी कर ली है, मैं फटाफट कपड़े उतार लेती हूँ, फिर मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है वो मैं आपको बाद में ही बताऊँगी जब हो जाएगा कम्प्लीट काम ना। देख ले पहले सूखी है कि नहीं, और आपको प्लांट्स दिखा देती हूँ, मस्त हो रहे हैं एकदम। ये देखो छोटे छोटे बेबीज लगाए थे, कितने अच्छे से हो गए ना ये वाले। और तुलसी माँ हो रही है अच्छे से, और दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए सब अच्छे से हो रहे हैं। सुबह तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी धूप निकल गई है टाइट वाली। और ये कटिंग्स हैं जो कि अभी होने वाली नहीं है, 1 महीना लगेगा लगभग इनको होने में। और ये मेरा पुदीना कितने मस्त हो रहा है ना। तो धूप इतनी तेज़ है कि बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा, और मैं सोच के आई थी कि माला वाला करके ऊपर थोड़ी देर जाऊंगी घूमूंगी, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मौसम तगड़ा ही हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बहुत भयंकर वाली धूप निकल रही है। सुबह आई थी ना मैं पानी ढालने के लिए और कपड़े सुखाने के लिए, इतना मौसम बारिश वाला हो रहा था और हवाएँ चल रही थी तेज, लेकिन अभी पूरा खुल गया। तो शाम को आएंगे, देखेंगे शाम को घूमने आएंगे जब देखेंगे मौसम कैसा हो रहा है। अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे, क्योंकि ऊपर तो रुका नहीं जा रहा, धूप हद से ज़्यादा निकल रही है। तो ये वाले प्लांट इसमें से मैंने ना बहुत सारे निकाल के बगल वाली दीदी को दे दिए, नीचे एक दीदी रहती है उनको भी मेरी तरह बहुत शौक है प्लांट्स लगाने का, तो इसलिए मैंने इसमें से दे दिए निकाल के। तो इसमें अभी बहुत सारे हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी ना, ये टूट गया है पूरा, तो इसमें पानी रुकता नहीं है, आपको दिखा दूँ। तो
इसके लिए ना 3-4-5 गमले लेके आऊँगी, उनमें ना अलग अलग लगा दूँगी इनको, तो अच्छे से फिर ये फैल जाएंगे। और एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ, कितनी देर में आ गई मैं, 10:30-11 बजे गई थी आई थिंक मैं, हाँ 11 बजे गई थी, और 1:15 आपको दिखाऊँ, 10 मिनट है बस। तो मैं आ गई हूँ, तो वहाँ पे कहाँ गई थी वो बता दूँ या नहीं बताऊँ बात। अभी मैं आई हूँ आके, इनको रोटी बना के दे गई थी मैं, तो इन्होंने रोटी खा ली है। और मैं एक हरी तुलसी माँ लेके आई हूँ, मेरे पास हरी तुलसी माँ नहीं है तो वो बाहर रखी है, मैं शाम को लगाऊंगी ना, फिर आपको दिखाऊंगी किस में लगाऊंगी। अभी मेरे पास गमला भी नहीं है, क्यों बोलती है बब्बू बीच में जब मैं बोल रही होती हूँ तो। अभी मेरे पास गमला भी नहीं है, देखूंगी ढूंढूंगी फिर मैं उसको लगाऊंगी, किस में लगाऊंगी देखते हैं, ठीक है। तो जी मैं आ गई हूँ ऊपर, और आप देख रहे होगे मेरी आँखें सूजी लग रही है, क्योंकि मैं लेट गई थी, पता है सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, फिर मैं 5 बजे लेट गई थी, और उसके बाद 6 बजे उठ के आई हूँ, और 6 बज रहे हैं इस टाइम शाम के, और देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है, धूप है अभी थोड़ी थोड़ी सी। तो ये 2 पेड़ लेके आई थी मैं आज दोपहर को, तो मैं अब ये लगा देती हूँ, ऊपर ले आई हूँ, दिखाती हूँ बैक कैमरे। हरी तुलसी है और ये है कड़ी पत्ता। तो एक भी गमला मुझे खाली नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी इन्हीं में एडजस्ट कर दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास गमले नहीं है, तो कोई बात नहीं, इनमें ही एडजस्ट कर देती हूँ फिलहाल के लिए। एक तुलसी इसमें लगी हुई है, श्यामा तुलसी, और एक हरी तुलसी और लगा देती हूँ इसमें, तो 2 हो जाएंगी जोड़े से, ठीक है ना, इसी में लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी बाल्टी है तो इसमें हो जाएगी अच्छे से। इसको ले चलती हूँ, और देखो दोपहर से रखी ना मुरझा गई है, अभी 1-2 दिन में सही से फैल जाएगी, मैं अच्छे से लगा देती हूँ। वो लिया, खुरपा लिया, देख सकते हो मैंने दोनों को मिक्स करके लगा दिया है, श्यामा तुलसी और ये तुलसी माँ, ठीक है, और दोनों अच्छे से मिलके हो जाएंगी। ये बड़ा भी है काफ़ी, तो स्पेस भी है, जब ये हो जाएंगे ना तो इसमें और मिट्टी यहाँ तक भर दूंगी मैं, तो मिट्टी कम है, अभी मिट्टी है नहीं मेरे पास। Yes।
दिख रहा है? हाँ। इसमें डाल दो, उसमें उस रिब्बे में। सब एडजस्ट कर दिए मैंने, ये वाला दिख रहा है आपको? बैक कैमरे से दिखाऊंगी तब समझ में। लगी हुई थी तो मैंने तो पहले तो निकाल दी थी, मैंने कहा निकाल देती हूँ किसी और में लगा दूंगी। तो दीदी ने मुझे ये वाला डब्बा भी दिया था, पर केली के लिए ये डब्बा छोटा है इसलिए मैंने फिर इसी में लगा दिया साइड में केली, और कड़ी पत्ता यहाँ लगा दिया है। अब अच्छे से हो जाएगा तो देखेंगे, वरना गमले होंगे ना कभी तो इनको अलग कर दूंगी और कड़ी पत्ते को इसी में लगे रहने दूंगी। और ये वाला बगल वाली दीदी ने दिया है मुझे गमला, तो मैंने इसमें लगा दिया ये वाला, क्योंकि उसमें हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो पानी भी आने की जगह नहीं है उसमें, इतने हो रहे हैं। तो मैंने इसमें एक निकाल के लगा दिया है, अब देखते हैं होगा कि नहीं। और यहाँ पर ये इतनी मिट्टी बच गई है, इसी में से निकली है ये मिट्टी, तो मैं इसको भर के रख देती हूँ पन्नी में, किसी और चीज़ में काम आएगी। बब्बू भर रही है, मैं भरती हूँ, बब्बू तू बना ले, मैं भर रहा हूँ, भर ले दो। बब्बू को बहुत शौक लगता है पेड़ पौधों का काम करने के लिए, मेरी तरह होना भी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने बहुत अच्छी बात है। पढ़ा लिखा इंसान ही समझ सकता है इनकी कीमत, अनपढ़ गवार नहीं समझ सकता। तो कैसा लग रहा है मेरा कड़ी पत्ता? और वहाँ पे मैंने तुलसी भी लगा दी है बाल्टी में, और यहाँ पे मैंने ये दीदी के उसमें लगा दिया, कितना सुंदर लग रहा है ना भरा भरा सा। इसमें अभी छेद नहीं है तो मैं छेद कर दूँगी, क्योंकि छेद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नहीं तो प्लांट गल जाता है। तो जी यहाँ पे छत पूरी गंदी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पूरी छत ही साफ़ कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे लग गई हूँ। तुली का गमले रख रही है और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, एक एक करके रख रही है तुली का गमले, फटाफट लगा देती हूँ वरना अंधेरा हो जाएगा। अभी अंधेरा तो नहीं होगा, अभी काफ़ी टाइम है। ये लीजिए गमले हटा के मैंने सारा कूड़ा निकाल लिया गमलों के नीचे से। मेरी झाड़ू लग गई है और अब कितनी साफ़ सुथरी मेरी छत लग रही है, देखो है ना। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, और अंधेरा भी होने वाला है लगभग, और गर्मी देख रहे हो कितनी लग गई है, इतना पसीना आ गया भयंकर, जैसे भरी गर्मी पड़ती है ना ऐसी लग रही है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, भी उतर गया मेरा गमला, और वहाँ से भी उतर गया, और यहाँ से भी उतर गया, तो यही यहाँ लग गए। आपको दिखा दूँ, ये देखो ये यहाँ पर लगा दिए, तो ऐसा लग रहा भरा भरा सा कितने सारे गमले आ गए। और यहाँ पर और वो वाला मैंने यहाँ से उतार के रखा है, और ये देखिए एक यहाँ रखा है और दो वहाँ रखे हैं। और यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, ये सब अच्छे से सेट कर दिया मैंने, ये देखिए है ना, सब हटा हटा के झाड़ू लगाई है। और ये मिट्टी बच गई थी जो कि मैंने इसमें पन्ने में भर दी है, दूसरे गमले के काम आएगी। और आप देख सकते हो सब कुछ अच्छा लग रहा है, पानी अभी डालूंगी नहीं क्योंकि सब में पानी है ही लगभग, बस दो पेड़ों में डाल देती हूँ मैं पानी, तो पाइप से नहीं डालूंगी ऐसे डाल दूंगी बोतल में से। बस इसमें डालना है कड़ी पत्ते में, और तुलसी लगाई है उसमें डालना है ना। कितना सुंदर लग रहा है ना कड़ी पत्ता, मुझे लग रहा है ये इंग्लिश वाला है, देसी नहीं है, तो इसकी पत्तियाँ अलग हैं देखो है ना,
सुंदर लग रहा है ना मेरा, मेरे सारे प्लांट्स सुंदर लग रहे हैं ना। और मेरी छत दिखा देती हूँ आपको कितनी क्लीन लग रही है, एकदम नीट एंड क्लीन। ये देखिए, ये देखिए, आपको पूरी दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन। ये थोड़ा सा निशान जो बन गया है ना पानी पानी का, वो टंकी फूट रही थी ना तो संडे को चिपका दी हस्बैंड ने, अब पानी भी नहीं टपक रहा और सूख गया है, लेकिन निशान से पड़ गए हैं पानी के, तो वो अब नहीं जाने वाले, वरना छत होगी एकदम क्लीन मस्त। तो जी, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो छोटी सी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।